एबीएम स्कूल में साकार महिला विकास समिति की ओर से आयोजित नेत्र और शिशु रोग शिविर में महापौर ज्योति खंडेलवाल ने शिरकत की। महापौर ने बताया कि आज के दौर में आंखों की भी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, ऐसे में शिविर का गरीब और बेसहारा लोगों को खासा फायदा उठाना चाहिए। कई बार इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही लोगों द्वारा बढ़ती जाती है, लेकिन जब इस तरह के कैंप आसपास के एरिया में लग जाते हैं तो जो आईसाइट चेक होकर के प्रॉपर चश्मा लग जाए। और अच्छी बात है कि सरकार ने तो ये भी कोशिश की है कि जो अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत होगी तो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड किए जाएंगे और उसके बाद इसी संस्था द्वारा उनका ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम छुट्टी भी देखते हैं कि पानी गिर रहा है आंखों में से, सर दर्द हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, फिर भी हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, चश्मा नहीं लगाते हैं, तो वो सब चीजें जो है, छोटी छोटी बीमारियां हैं उनको तो यहाँ पे तुरंत इलाज मिल रहा है। शिविर में बच्चों, महिला और पुरुषों समेत दर्जनों लोगों ने आंखों की जांच कराई। इस दौरान मरीजों को दवाइयां भी दी गई। 250 से ज्यादा लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इसमें सभी दवाइयां और सारी सुविधाएं जो है वो निःशुल्क हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आज तकरीबन 50 ऑपरेशंस रजिस्टर्ड होंगे जो कि संस्था के द्वारा निःशुल्क करवाए जाएंगे और निम्स हॉस्पिटल के सहयोग से होगा। हमारी संस्था इस प्रकार के कार्य करती रहती है। इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप लग चुके हैं, स्वास्थ्य शिविर लग चुके हैं। आगे भी हमारा यह है कि सामाजिक स्तर पर जितना हम सहयोग किसी को दे सकते हैं, जितना हम साथ दे सकते हैं, उतना हम समाज के स्तर पर कार्य कर सकते हैं। शिविर के जरिए 50 मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी संस्था की ओर से कई बार जनहित कार्य में शिविर आयोजित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBTV न्यूज, जयपुर।